हेलो दोस्तों। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूपीपीसीएस का फैट 10 देख लिया था, जो नया पैटर्न आया है। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग यूपीपीसीएस का सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रारंभिक परीक्षा के दो पेपर होते हैं, उसका पहले प्रश्न पत्र का हम लोग सिलेबस देखते हैं। आपको बता दिया था कि ये 2 घंटे का रहता है और इसके अंक रहते हैं 200, 150 क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न रहते हैं। तो इसके सिलेबस की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करेंट अफेयर्स। फिर है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर है अपना भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। फिर है अपना भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे। फिर है अपना राष्ट्र, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव। फिर है अपना पर्यावरण एवं पारिस्थिति संबंधी सामान्य विज्ञान, सामान्य विषय जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अपना सामान्य विज्ञान, इसे कुछ डिटेल से देख लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी। फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थी से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। फिर अपना भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर अपना भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। फिर अपना आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया है। फिर है अपना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। फिर है अपना सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा विक्षेपण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसकी किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया। अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय होना चाहिए। फिर अपना सामान्य पेपर सेकेंड सी सेट, यह पेपर सेकंड, इसकी अवधि 2 घंटे रहती है, 100 अंक का रहता है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन, विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, फिर तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता, फिर निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी, फिर सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल तक, प्रारंभिक गणित
हाई स्कूल तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय। तो इस सी सेट को देख लीजिए, ये 33% इसमें नंबर चाहिए होते हैं। इसका सिलेबस ही पूरा दिया गया। ये सामान्य हिंदी का है, ये इंग्लिश का है सामान्य, जनरल इंग्लिश। फिर आ जाते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा पर, लिखित परीक्षा पर। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ दिशा निर्देश है। आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देगा। किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें, अन्यथा दंड स्वरूप उनके अंकों में कटौती की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम ना लिखें, अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिए अन्य घोषित किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट अपठनीय है तो उसके प्राप्त अंकों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिंदी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु उन्हें भाषा प्रश्न पत्र का उत्तर जब तक प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट ना हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में या वा हिंदी देवनागरी लिपि में होगा। सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित का स्तर होगा। अब जो पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी का, तो इसकी बात करें तो इसके सिलेबस से दिए हुए गद्य खंड का अवबोध, प्रश्नोत्तर, फिर संक्षेपण, फिर सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, फिर शब्द ज्ञान, प्रयोग एवं प्रयोग, फिर उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, फिर आ जाता है अपना दूसरा पेपर निबंध का है। निबंध हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिखे जा सकते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड हो गए। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। जो खंड का है इसमें साहित्य और संस्कृति, फिर सामाजिक क्षेत्र, फिर राजनीति क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। खंड का है जो विज्ञान, पर्यावरण एवं और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। खंड गा है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर प्राकृतिक आपदाएं, भू संकलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। तीसरा राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट की। अब है लिखित परीक्षा का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। तो इसकी बात करें तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला, प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। फिर अपना आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व, समस्याएं इत्यादि। फिर स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरणों और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। फिर अपना स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक। फिर विश्व इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप में समाज, उनके प्रभाव इत्यादि को शामिल होंगे। फिर अपना
भारतीय समाज संस्कृति की मुख्य विशेषताएं फिर अपना महिलाओं महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासमत विषय, शहरीकरण उनकी समस्याएं, उनके परिरक्षों पर। फिर है अपना उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का भी प्यार और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य और व्यवस्था, समाज संरचना पर प्रभाव। फिर है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। फिर अपना विश्व प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का विवरण, जल, मिट्टी, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में। फिर अपना भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन, हिम। फिर अपना भारत के समुद्रिक संसाधन एवं उनकी सभ्यताएं, सभ्यताएं। फिर तीर्थ, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उप महाद्वीप के संदर्भ में। फिर अपना सीमांत तथा सीमाएं, भारत उप महाद्वीप के संदर्भ में। फिर जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। फिर उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्योहार, लोकनृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहर, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन। फिर है अपना उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियां, वन, वन्य जीव, खदान और खनिज, सिंचाई के स्रोत। फिर लिखित परीक्षा का पेपर सेकंड, इसमें भारत संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, संविधान के आधार बहुत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। फिर अपना संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां। फिर अपना केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। फिर शक्ति की कपटकरण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, विकल्पी विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। फिर भारतीय संविधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। फिर संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्यकार, संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय। फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक, अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली की उनकी भूमिका, जनहित बाद PIL। फिर अपना जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। फिर विभिन्न पदों, विभिन्न संविधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य, उनके उत्तरदायित्व। फिर संविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं, कार्यभाग। फिर सरकारी नीतियां, विशेष विभिन्न क्षेत्रों विकास के हस्तक्षेप, उनके अभिकलनपन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। फिर विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत अन्य अंशधारक। फिर अपना केंद्र राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं के काकार, निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान, निकाय। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंध से संबंधित विषय। फिर अपना गरीबी, भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसका निहार। फिर शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुपयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत व अनुपाय। फिर अपना है लोकतंत्र की में उभरती हुई प्रवृत्तियां के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका। फिर भारत अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध। फिर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। फिर भारत के हितों एवं प्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। फिर अपना महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, उनका कार्यभाग। फिर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व,
न्यायिक व्यवस्था की विशिष्ट जानकारी, फिर है अपना क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, फिर पेपर अपना तीसरा है लिखित परीक्षा का। इसमें भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, फिर अपना गरीबी मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय समावेशी, फिर सरकार के बजट अव्यय, वित्तीय प्रणाली, फिर प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई तकनीक, फिर अपना अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य क्रियान्वयन, परिसीमाएं, शुद्धिकरण, खाद्य सुरक्षा, बफर भंडार, कृषि संबंधित तकनीकी अभियान, टेक्नोलॉजी मिशन, फिर भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, पूर्ण व अधो प्रवाह, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, फिर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, फिर भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इनके औद्योगिक समृद्धि का पर प्रभाव, फिर आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पतन तथा रेलवे आदि, फिर अपना ज्ञान प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुपयोग, दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का देशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुपयोगी एवं क्रांतिक अनुपयोग प्रौद्योगिकियां, फिर अपना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा के अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, फिर अपना पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन, फिर अपना आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन एवं प्रबंधन, फिर अपना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक तंत्रीयता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी, फिर भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, वित्तीय विद्रोह तथा संस्थागत अपराध, है अपना सुरक्षा बलों की भूमिका, त्रिकार शासन अधिकार, भारत का उच्च सुरक्षा संगठन, फिर उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण, राज्य के बजट, कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना एवं भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन एवं कौशल विकास संरचना के कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाएं, फिर अपना कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे, फिर उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। अब आप पुनः लिखित परीक्षा का पेपर 4, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत अंत संबंधी मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, फिर अपनी अभिव्यक्ति, अंतर्वस्तु, संरचनाकार विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव, सहमति पैदा करना, फिर सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, फिर अपना संवेगात्मक बुद्धि, अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासनिक शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिताएं, प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारों तथा दार्शनिकों का योगदान, फिर लोक प्रशासन में लोक, सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन
अंतरात्मा जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दों, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। फिर अपना शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा के अवधारणा शासन व्यवस्था व ईमानदारी का दार्शनिक आधार पर सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती, उपयुक्त विषय पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा UPPCS प्री प्लस मेंस का सिलेबस। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य फर्स्ट पेपर के पुराने पेपर 2012 से लगभग लगा के 2018 तक, जो अभी तक लास्ट है। आपको बता दें ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो हम लोग बाद में देखेंगे किसी अन्य लेक्चर में, ठीक है।